नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ रेणु चौहान। और वक्त हो चुका है इस वक्त की ताजा तरीन बड़ी खबरों का। दिल्ली के रामलीला मैदान से बीजेपी करेगी मिशन 2019 का आगाज। पीएम मोदी देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने कहा कि बदोपुर में ओजोन लगाने में पूर्व विधायक है जिम्मेदार, वर्तमान विधायक ओजोन हटाने में है नाकाम। सीबीआई चीफ पद से हटाए गए आलोक वर्मा, पीएम की अध्यक्षता में कमेटी का हुआ फैसला। आलोक वर्मा को पद से हटाए जाने पर सियासी घमासान तेज, विपक्ष से लेकर कानून के जानकारों तक ने उठाए सवाल। आलोक वर्मा ने तोड़ी चुप्पी, मैंने सीबीआई की साख बनाए रखने की कोशिश की, झूठे आरोपों के आधार पर मुझे हटाया गया। अमित शाह ने शिवराज, रमन और वसुंधरा को दी नई जिम्मेदारी, तीनों को बनाया बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। शीला दीक्षित को मिली दिलीप कांग्रेस की कमान, पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने दी बधाई। लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन पर कल औपचारिक ऐलान संभव, मायावती अखिलेश करेंगे तस्वीर साफ। कैलाश विजय वर्गीय बोले, जिस दिन हो जाएगा बॉस का इशारा उस दिन गिर जाएगी कमलनाथ सरकार। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रोके आयुष्मान भारत योजना, पूछा मैं 40% खर्च का बहन क्यों करूं। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई की नो एंट्री। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, सेना के मेजर और बीएसएफ का जवान हुआ घायल। तीन तलाक अध्यादेश फिर जारी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, 22 जनवरी को खत्म हो रही थी मियाद। गुरमीत राम रहीम पर पत्रकार हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट आज सुना सकती है फैसला, हरियाणा पंजाब में सुरक्षा कड़ी। सुखविंदर सिंह सुक्की की जगह कुलदीप सिंह राठौर को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्की पिछले 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष रहे। गठबंधन पर बोले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाए रखेंगे। पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचा बॉलीवुड, नजर आए रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, रोहित शेट्टी। देशभक्ति को कैसे टक्कर दे पाएंगे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, बॉक्स ऑफिस पर होगा फैसला। विराट कोहली ने केएल राहुल और हार्दिक पांडे पर दिया बयान, महिलाओं पर की थी विवादित टिप्पणी। सिडनी वनडे से शुरू होगा अलग तरह का मुकाबला, विराट की नजरें सीरीज जीत पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।